रानी रायपुर लेकर चलते हैं, जहां के पुरखौती मुक्तांगन में पतंगोत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कैबिनेट के मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता इस पतंगोत्सव में शामिल हुए। सीएम साय और कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने रंगोली के जरिए भी तस्वीरें उकेरी। लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र ये रही। हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला ने इस पर बातचीत की है, खास देखिए। नया रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में पतंग उत्सव मनाया जा रहा है। संक्रांति के अवसर पर बनाए जा रहे इस उत्सव को लेकर काफ़ी कुछ तैयारियां हैं। आप देख सकते हैं यहां पर रंगोली आर्टिस्ट द्वारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तस्वीर के साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की तस्वीर बनाई गई है, और अलग अलग तरीके के जो इवेंट्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस इवेंट का शुभारम्भ किया है और उन्होंने भी यहाँ पर पतंग उड़ाई है। यहाँ पर जो अलग अलग क्षेत्र से लोग आए हैं वो यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, पतंग उड़ाते नजर आ रहे हैं, और एक अलग सा उत्साह जो है पतंग उत्सव को लेकर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरे पुरखौती मुक्तांगन को जो है पतंग के से सजाया गया है ताकि पूरा माहौल जो है वो इसी तरीके का लगे। ये ग्राउंड है जिस ग्राउंड में अभी पतंग उड़ाया जा रहा है। सभी के हाथों में पतंग नजर आएगी, सब हाथों में पतंग लेकर जा रहे हैं और पतंग उड़ाते नजर आ रहे हैं, और लगातार ये उसका जो उत्सव है वो बनाया जाएगा। हमारे साथ संस्कृति विभाग के सचिव भी मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। सर, लंबे अरसे बाद एक बार फिर से पतंग उत्सव हो रहा है, किस तरीके की तैयारियां थी और क्या कुछ आने वाले दिनों में इसमें और रहेगा? पतंग उत्सव आज एक तरह से एक प्रतीक है कि जैसे हमारा देश में अगले हफ्ते भर में जो है ये जो हार्वेस्ट फेस्टिवल को हम बिहू के नाम से, पोंगल के नाम से, लोहड़ी के नाम से, मकर संक्रांति के नाम से मनाते हैं, तो उसका आज यहाँ पर जैसे सभी समाज के जो प्रतिनिधियों को भी यहाँ पर सम्मान पूर्वक आमंत्रित करके उनको माननीय मुख्यमंत्री जी से आज सम्मान उनका कराया गया था। तो एक तरफ से जो हमारा देश का जो अनेकता में एकता का जो संदेश देने के लिए इस आयोजन को हम उस तरह का किए हैं। कैमरामैन राहुल के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज़, रायपुर।